इसका मतलब आप लोग मुझे यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। शुरू से ही आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, शुरू से ही। लेकिन आज मैं आप में से एक भी आदमी से नहीं डरता, एक से भी नहीं। And you, look here, Mr. Lionface, आपका चेहरा सिंह की तरह है, सिंह बदन। और प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्र में कुष्ठ रोग का यह पहला साइन माना जाता था। So be careful। सिर्फ आप ही नहीं, आप सब लोग इस बीमारी के शिकार हैं। ऊपर से गरजते हैं और अंदर से कुष्ठ रोग भरा हुआ है। मैं स्वीकार करता हूं मैंने कोई वैक्सीन नहीं बनाया। आई सरेंडर। क्या करोगे इसके बारे में कुछ सोचा है? पेपर तो तुम्हारे रेडी है, हम जॉन एंडरसन फाउंडेशन को भेज देते हैं, पर ऐसा करने से तुम्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इस्तीफा दे देंगे डॉक्टर कुंडू? मैं अब इन्हें वहां नौकरी नहीं करने दूंगी। ये नौकरी सारे अनर्थ की वजह है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और फिर मैं तो नौकरी कर ही रही हूं, उससे हमारा गुजारा चल जाएगा। ये अब सिर्फ रिसर्च करेंगे। दादा, सर, अच्छा हुआ आप भी यहां हैं। मैं दरअसल एक न्यूज लेकर आया हूं, ये फॉरेन के एक मेडिकल जर्नल में छपी है। क्या पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लेप्रसी की वैक्सीन का आविष्कार हो गया है। डॉक्टर ऑल्टमैन के अधूरे रिसर्च के साथ गोनाडोट्रोपिन ग्रुप के एक हार्मोन को मिलाकर एक मीडिया बनाकर लेप्रा बैसिली ग्रो करने में कामयाबी मिल गई है, जिसकी वजह से ब्राउन माइस में लेप्रसी होस्ट करना संभव हो सका है। अरे ये तो दीपंकर का काम है। हाँ सर, सही कहा आपने। वैक्सीन प्रेगनेंसी के समय मां को लेना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप होने वाली संतान जन्म से ही लेप्रसी से प्रतिरोध करने की क्षमता रखेगी। एट लास्ट दीपंकर। वैक्सीन का एक और लक्षण स्पष्ट है, ये औरतों की स्टरिलिटी को भी दूर करेगा। ये जर्नल आविष्कारक का अभिनंदन करता है और उम्मीद करता है कि बहुत जल्दी इस पृथ्वी से ये कुष्ठ रोग पॉक्स और प्लेग की तरह हमेशा के लिए मिट जाएगा। यस यस। आविष्कारक का नाम है मैसेच्यूसेट्स के माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर ग्राहम जेस्ट्रो और डॉक्टर अल्बर्टो वेसेलिनी। हिंदुस्तान से संबंधित भी इसमें खबर छपी है। लेप्रसी वैक्सीन के आविष्कार का क्लेम भारतवर्ष से भी आया था, पर उसके पेपर्स नहीं पहुंच सके। इसके अलावा वहां के साइंटिस्ट्स, फिजिशियंस एवं हेल्थ डिपार्टमेंट इस काम से एकमत नहीं है।
बहिष्कार एक रेस है, रेस एक दौड़ है, एक प्रतियोगिता है। पृथ्वी के हर कोने में काम चल रहा है, हजारों साइंटिस्ट काम में लगे हैं। इस फील्ड में हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। एक इतनी बड़ी काम को हम सब ने मिटा कर रख दिया। मुझे इन्हें मारना ही पड़ा सीमा, और कोई चारा नहीं था। ये सब लेप्रेसी के रोग से तड़प रहे थे। दीपंकर, डॉक्टर एमिली बर्नार्ड ने तुम्हें एक चिट्ठी भेजी है। अब मेरे एड्रेस पर भेजी है ताकि खो ना जाए। उसने मुझे भी एक चिट्ठी लिखी है, तुम्हारे बारे में बहुत दुख प्रकट की है। तुम्हें जो कुछ भी लिखी है मैं पढ़ता हूँ, सुनो। माय डियर डॉक्टर रॉय, आज दुनिया पर माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक नया युग लाया है, लेकिन फिर भी हम इंसान के जिस्म के बारे में 10% भी नहीं जानते। महाकाश की रहस्य की तरह ह्यूमन बॉडी भी रहस्यों से भरी पड़ी है। दुनिया का हर वैज्ञानिक उस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं। हम आपको इन सब विशिष्ट वैज्ञानिक के साथ हाथ मिलाकर काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। General Electric has very recently built a laboratory in Chicago. They will be very happy indeed if you can join them. I assure you, you will face no difficulties there. I very sincerely hope that, like leprosy, you will be able to solve the problems of many dreaded diseases that threaten mankind. After all, मेरी रिसर्च गलत नहीं थी सर। सोचिए सर, इंसान हमेशा के लिए लेप्रेसी से आजाद हो जाएगा। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं।